उत्परेशं सभासाद्या इव चित्रा महेश्वरी चित्रोत्परेति कथिता सर्व पाप प्रणाशिनी। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा, चित्रोत्पला की धारा चलचित्र श्रृंखला की 44वीं कड़ी में आपका स्वागत है। मित्रों, इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सिरपुर में उत्खनन से प्रकाश में आए प्राचीन व्यापार क्षेत्र का अवलोकन किया। आज के इस चलचित्र में हम उसी व्यापार क्षेत्र में उत्खनन से प्राप्त प्राचीन मृत्तिका निर्मित वस्तुओं के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में जिन स्थानों पर सभ्यताएं विकसित हुई एवं समय के साथ विलुप्त हो गई, ऐसे स्थानों का जब वर्तमान समय में उत्खनन किया जाता है, तब वहां प्राप्त होने वाली वस्तुओं में सर्वाधिक वस्तुएं मृत्तिका निर्मित होती हैं, अर्थात पक्की मिट्टी से निर्मित होती हैं। इसका कारण यह है कि मिट्टी से वस्तुओं का निर्माण अपेक्षाकृत सरल होता है। यदि हम लोहा, सोना, तांबा इत्यादि धातुओं से वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तब उसमें हमें परिश्रम अधिक लगता है एवं धन भी अधिक लगता है। इसकी अपेक्षा मिट्टी से यदि हम वस्तु का निर्माण करते हैं, तब अपेक्षाकृत कम परिश्रम एवं कम धन में इनका निर्माण हो जाता है। अतः कम मूल्यवान वस्तुओं के निर्माण में मिट्टी का ही उपयोग किया जाता था, और इसी प्रकार हमें आज जहां कहीं भी उत्खनन होता है, तब अत्यधिक मात्रा में हमें मृत्तिका निर्मित वस्तुएं प्राप्त होती हैं। सन 2007 से 2011 के मध्य महोदय अरुण कुमार शर्मा जी के निर्देशन में सिरपुर के व्यापार क्षेत्र में जो उत्खनन कार्य हुए, वहां हमें विविध पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें मृत्तिका निर्मित विविध प्रकार की वस्तुएं, अन्य सामग्रियां, कुछ धातु प्रतिमाएं इत्यादि प्राप्त हुए हैं। इनमें से अत्यधिक मात्रा में हमें मृत्तिका निर्मित पक्की मिट्टी से निर्मित वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। वर्तमान समय तक इन वस्तुओं को जन सामान्य हेतु सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया है, अतः इनके विषय में चर्चा करने हेतु हमने मृत्तिका निर्मित वस्तुओं की कुछ प्रतिकृतियां तैयार की हैं। इससे पूर्व कि हम इन वस्तुओं के विषय में चर्चा आरंभ करें, हमने इन वस्तुओं की प्रतिकृतियों का निर्माण कैसे किया, आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। सिरपुर में हुए उत्खनन में मृत्तिका निर्मित जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उनमें से प्राप्त हुए हैं कुछ ईंटें। कुछ ईंटें कलात्मक रूप से उत्कीर्णित हैं एवं कुछ ईंटें साधारण हैं। साधारण ईंटें भी असाधारण हो जाती हैं जब हमें उसमें प्राप्त होते हैं कुछ विविध प्रकार के पशुओं के पदचिन्ह, जैसे बंदर, भालू, तेंदुआ, हरिण इत्यादि। इन जानवरों के खुरों के चिन्ह जिनमें अंकित हैं, ऐसे भी कुछ ईंटें प्राप्त हुई हैं, परंतु उनकी प्रतिकृतियों का निर्माण हमने नहीं किया है। सिरपुर उत्खनन में प्राप्त जिन मृत्तिका निर्मित वस्तुओं के प्रतिरूपों का निर्माण हमने किया है, इनका विवरण सर्वप्रथम हम आरंभ करते हैं गेम्समैन से। गेम्समैन अर्थात पासे इत्यादि खेलों में प्रयुक्त होने वाली गोटियां।
सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर परिसर के पश्चिम भाग में जो संग्रहालय स्थित है, वहां संरक्षित एक वास्तुखंड में पासे के खेल का अंकन है। अतः हम यह कह सकते हैं कि उस काल में पासे का खेल अत्यंत प्रचलन में था, और इसे प्रमाणित करती हैं उत्खनन में प्राप्त ये गोटियां अर्थात गेम्समैन। यह प्रथम प्रारूप हम जो देख रहे हैं, इसका आधार भाग समतल है और मध्य भाग अवतल है चारों ओर से। द्वितीय प्रारूप का आधार भाग उत्तल है, मध्य में एक वृत्ताकार खांच निर्मित है एवं इसका शीर्ष भाग शंकु के आकार का है। तृतीय प्रारूप का आधार भाग समतल है, मध्य में एक वृत्ताकार खांच है, वह शीर्ष भाग शंकु के आकार का है, यह काले रंग में पकाया गया है। चतुर्थ प्रारूप भी तृतीय प्रारूप की भांति ही है, इसमें भी आधार समतल है, मध्य भाग में वृत्ताकार खांच है, शीर्ष भाग शंकु के आकार है, परंतु इसकी जो ऊंचाई है वह पिछले गोटी की अपेक्षा कुछ कम है। पंचम प्रारूप भी पूर्ववत ही है, परंतु इसकी ऊंचाई अधिक है एवं इसका व्यास कम है। षष्ठम प्रारूप काले रंग में पकाया गया है, इसका भी आधार भाग समतल है, मध्य में वृत्ताकार खांच है, शीर्ष भाग इसका भी शंकु के आकार का है। सप्तम प्रारूप जो है वह शंकु के आकार का है, इसमें कोई भी खांच निर्मित नहीं है। अष्टम प्रारूप का आधार भाग समतल है, मध्य में वृत्ताकार खांच है, शीर्ष भाग शंकु के आकार का है। इस प्रकार के कुल 47 गोटियां अर्थात गेम्समैन सिरपुर उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। इनमें से 8 का विवरण हमने यहां पर प्रस्तुत किया है। पासे के अतिरिक्त प्राचीन काल में कंचों का प्रचलन भी संभवतः बहुत प्रसिद्ध था। इसका प्रमाण है उत्खनन में प्राप्त कुछ कंचे। वर्तमान समय में बच्चे जो कंचे खेलते हैं वे प्रायः कांच से निर्मित होते हैं, परंतु प्राचीन काल में जो कंचे निर्मित होते थे वे मृत्तिका निर्मित होते थे, पक्की मिट्टी से बने होते थे। हम देख रहे हैं एक कंचा जिसका आकार काफी बड़ा है और इसका रंग जो है वह काला है। इसके अतिरिक्त कुछ छोटे कंचे भी यहाँ प्राप्त हुए हैं और इनका रंग काला भी है और कुछ का रंग लाल है। इनका व्यास अपेक्षाकृत कम है। इस प्रकार के कुल 186 कंचे प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ का प्रदर्शन हमने यहाँ पर किया है। प्राचीन काल में पासे एवं कंचों के अतिरिक्त विविध देवी देवता एवं अन्य सैनिकों की प्रतिमाएं भी निर्मित की जाती थी व उन्हें विविध प्रकार के आयुध धारण करवाए जाते थे। यहाँ उत्खनन में कुछ मृत्तिका निर्मित ढाल प्राप्त हुए हैं। मृत्तिका निर्मित ये लघु ढाल, इनका पश्चिम भाग अवतल एवं सम्मुख भाग उत्तल है। इसे धारण करने हेतु एक संरचना भी निर्मित है। संभवतः इन्हें लघु प्रतिमाओं को धारण करवाया जाता था। यह द्वितीय प्रारूप हम देख रहे हैं जिसका पश्चिम भाग अवतल एवं अग्रभाग उत्तल है। अग्रभाग को मृत्तिका निर्मित मनकों से सुसज्जित किया गया है। 4 मनके इसमें दिखाई दे रहे हैं। यह ढाल आकार में सबसे बड़ा है तथा इसमें 6 मनके सुसज्जित दिखाई दे रहे हैं। इनमें से 4 मनके टूटकर गिर चुके हैं। इसका किनारा भी कुछ टूटा हुआ है। इस प्रकार के कुल 4 ढाल यहां प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 3 ढाल लाल रंग के व 1 ढाल काले रंग का है। उत्खनन में 2 अत्यंत प्राचीन लघु मृत्तिका निर्मित शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार ये मनोकामना शिवलिंग है। अर्थात जिस प्रकार वर्तमान समय में कुछ स्थानों पर एक प्रथा प्रचलित है, लोग शिव मंदिरों में अपनी मनोकामनाएं निवेदित करते हैं और जब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तब तांबे अथवा पीतल से निर्मित नाग की प्रतिमा वहां अर्पित करते हैं। कदाचित प्राचीन काल में भी इसी प्रकार की कोई प्रथा प्रचलित होगी, जहां लोग शिव मंदिरों में प्रार्थनाएं निवेदित करने जाते होंगे और जब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती होंगी तब इस प्रकार से मृत्तिका निर्मित शिवलिंग वहां अर्पित करते होंगे। ये मनोकामना शिवलिंग है। मध्य में शिव जी का लिंग स्वरूप स्थापित है और चारों तरफ जलहरी स्थित है, जिसका कुछ भाग टूटा हुआ है। और यह एक और प्रकार का शिवलिंग है जिसके ऊपरी भाग में 2 वृत्ताकार रेखाएं अंकित की गई हैं। इसका जलहरी प्राप्त नहीं हो पाया है। वर्तमान जीवन शैली में हम अपने कक्षों को सुगंधित रखने हेतु विविध उपक्रम करते हैं, जैसे रूम स्प्रे एवं धूप बत्ती इत्यादि।
प्राचीन काल में भी इस प्रकार के विविध उपक्रम किए जाते थे कक्षों को सुगंधित रखने हेतु। सिरपुर उत्खनन में इस प्रकार का एक उपकरण प्राप्त हुआ है जिसे इंसेंस बर्नर कहा जाता है, अर्थात इसके भीतर सुगंधित द्रव्य रखकर जलाए जाते थे। संभवतः ऐसा किया जाता होगा कि एक दीपक में सुगंधित तेल रखकर उसमें बाती लगाकर जलाया जाता होगा, उसकी अग्नि इधर उधर न फैले इस हेतु इस प्रकार के पात्र से उसे ढक दिया जाता होगा। इस पात्र में बहुत ही देखने में यह पात्र सुंदर है और इसके आधार भाग में, मध्य भाग में एवं ऊपरी भाग में तीन वृत्ताकार उभार निर्मित हैं। इसमें अनेक छिद्र हैं जिससे वायु का आवागमन हो सके। इस प्रकार का एक प्रारूप सिरपुर में प्राप्त हुआ है। वस्त्र निर्माण प्राचीन काल में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था। इस कार्य में प्रयुक्त होने वाले कुछ उपकरण सिरपुर उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। ये उपकरण देखने में पहिए के सदृश प्रतीत होते हैं। पुरातत्ववेत्ताओं का कहना है कि इनका उपयोग प्राचीन काल में धागे लपेटने के कार्य में होता था। दोनों प्रारूप एक दूसरे के समरूप हैं। इनके आकार में अत्यंत अल्प अंतर है। तृतीय प्रारूप जो प्राप्त होता है वह पूर्णतः गोलाकार न होकर कुछ कोणीय है। इसकी जो मोटाई है वह भी अपेक्षाकृत अधिक है। इसके मध्य में जो छिद्र है वह भी अपेक्षाकृत बड़ा है। इसका रंग काला है। चतुर्थ प्रारूप जो प्राप्त होता है वह किनारों पर कुछ पतला है, मध्य में कुछ उभरा हुआ है, जिसके मध्य में एक छिद्र है। पंचम प्रारूप उभयोत्तल प्रकार का है और इसके किनारों को अत्यंत सुंदर ढंग से सुसज्जित किया गया है, मध्य में एक छिद्र है। षष्ठम प्रारूप भी पंचम प्रारूप की भांति ही है, इसका व्यास अपेक्षाकृत कम है, यह भी उभयोत्तल प्रकार का है, वह इसके किनारों को भी अत्यंत सुंदर ढंग से सुसज्जित किया गया है, जिसके मध्य में एक छिद्र है। सप्तम प्रारूप का व्यास अपेक्षाकृत कम है, यह भी उभयोत्तल प्रकार का है और इसके मध्य में एक छिद्र है और किनारे पर भी एक छिद्र है, अर्थात इसमें दो छिद्र हैं। अष्टम प्रारूप का आधार भाग समतल है एवं ऊपरी भाग उत्तल है, इसमें कोई छिद्र उपस्थित नहीं है। नवम भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका एक भाग अवतल है एवं दूसरा भाग उत्तल है। उत्तल वाले भाग में चार रेखाएं निर्मित हैं, जिसके मध्य में एक छिद्र है और जो मूल प्रारूप प्राप्त हुआ है उसमें नागरी लिपि में द्व लिखा हुआ है। दशम प्रारूप बहुभुजाकार है, रंग में काला है और यह एक भाग पर अवतल है और दूसरा भाग इसका उत्तल है, मध्य में एक छिद्र है। इस प्रकार के कुल 42 प्रारूप सिरपुर उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। इनमें से 10 का प्रदर्शन यहां पर हमने किया है। उत्खनन में मृतिका निर्मित कुछ चम्मच प्राप्त हुए हैं। इनके लघु आकार को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये बच्चों के लिए खिलौने के रूप में निर्मित किए गए हों। प्रथम प्रारूप जो प्राप्त होता है इसका ऊपरी भाग कुछ टूटा हुआ है और इसकी डंडी को विशेष प्रकार की रेखाओं से सुंदर ढंग से सुसज्जित किया गया है। जो द्वितीय प्रारूप प्राप्त होता है इसका ऊपरी भाग सुरक्षित है परंतु इसकी डंडी टूटी हुई है, इसे भी सुंदर ढंग से सुसज्जित किया गया है। यह प्रारूप काले रंग में है, जिसका ऊपरी भाग टूटा हुआ है, नीचे डंडी भी टूटी हुई है, इसमें कोई विशेष प्रकार का अलंकरण नहीं है। चतुर्थ प्रारूप में सुंदर अलंकरण हम देख सकते हैं। अगला जो प्रारूप प्राप्त होता है इसकी आकार व आकृति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह यज्ञादि क्रियाओं में स्तुवा के रूप में प्रयुक्त होता हो व इससे घृत आदि आहुतियां दी जाती रही हो। यह जो प्रारूप प्राप्त हुआ है यह लघु आकार का एक चम्मच है और इसकी डंडी कुछ मुड़ी हुई है, इसका रंग काला है। अगला प्रारूप भी इसी प्रकार का है, इसका भी रंग काला है परंतु इसकी डंडी मुड़ी हुई नहीं है। जो अगला प्रारूप प्राप्त होता है यह लाल रंग का एक चम्मच है, संभवतः बच्चों के खिलौने के रूप में इसका उपयोग किया जाता होगा। जो यह प्रारूप है इसमें विविध प्रकार के छिद्र बने हुए हैं, इसका ऊपरी भाग टूटा हुआ है, इसी अवस्था में यह प्राप्त हुआ है। इस प्रकार के चम्मच का उपयोग चावल इत्यादि पकाते समय किया जाता है। इस प्रकार के कुल 9 प्रतिकृतियों का प्रदर्शन यहां पर किया गया है। वर्तमान समय में मिर्च मसाले इत्यादि रखने हेतु हम जिन पात्रों का उपयोग करते हैं या तो वे धातुओं के बने होते हैं अथवा प्लास्टिक के। प्राचीन काल में ऐसी वस्तुओं को रखने हेतु संभवतः इस प्रकार के मृत्तिका निर्मित पात्रों का उपयोग किया जाता होगा। इस प्रकार का एक प्रारूप सिरपुर उत्खनन में प्राप्त हुआ है। संभवतः इसमें कुछ वस्तुएं रखी जाती थी व इससे इस प्रकार से निकाला जाता होगा। यह जो प्रारूप प्राप्त हुआ है इसमें 2 आयताकार अवकाश हम देख सकते हैं और इसका एक भाग टूटा हुआ है। यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं तब इस खिलौने को अवश्य ही पहचानते होंगे। इसे कहते हैं पोरावैला। हमारे यहां यह परंपरा रही है
कि जो कोई भी हमारे जीवन यापन में सहायता करता है हम उसकी पूजा करते हैं। बैल कृषि कार्य में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला पशु है। छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु में एक त्योहार आता है जिसे पूरा तिहार के नाम से जाना जाता है। उस समय में मिट्टी का इस प्रकार का बैल बनाया जाता है और उसमें इस प्रकार के चक्के लगा दिए जाते हैं बांस के डंडियों की सहायता से। इसकी पूजा की जाती है, उसके पश्चात बच्चे इसे बड़े ही आनंद पूर्वक खेलते हैं। छत्तीसगढ़ की यह परंपरा हजारों वर्ष प्राचीन है। यह प्रमाणित होता है सिरपुर में उत्खनन से प्राप्त इस प्रकार के चक्कों से। इन चक्कों को सिली चक्का कहा जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में, सिली चक्का, और इन्हीं चक्कों को पोरा बेला में लगाया जाता है। इस प्रकार के चक्के सिरपुर में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं और हजारों वर्ष प्राचीन हैं। इसका तात्पर्य यह है कि छत्तीसगढ़ की जो पोरा बेला की परंपरा है वह हजारों वर्ष प्राचीन है। पोरा तिहार में केवल बैलों की पूजा नहीं की जाती अपितु हाथी घोड़े भी बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है और बाद में बच्चे उन्हें खेलते हैं। यह प्रथा हजारों वर्षों से चली आ रही है और सिरपुर में जो उत्खनन हुए हैं उनमें प्राप्त हुए हैं इस प्रकार के घोड़े का सिर। घोड़े का यह जो सिर है यहां हम देख रहे हैं, इन्हें धागों से सजाया गया है, आंखें उभरी हुई हैं और घिरी हुई भी हैं, इनके कान टूटे हुए हैं, नासिका व मुख दिखाई दे रहा है। यह एक दूसरे घोड़े का सिर जिसमें हम नाक देख रहे हैं और इनके नाक के चारों ओर रस्सी से इसे सुसज्जित किया गया है। सिर के ऊपर का भाग भी पीछे का भाग भी रस्सी से सुसज्जित किया गया है। आंखें हैं जो कि घिरी हुई हैं, कान इनके भी टूटे हुए हैं। यह भी एक घोड़े का सिर है, मुख खुला हुआ है और हम देख पा रहे हैं नासिका दिखाई दे रही है, आंखें भी कुछ दिखाई दे रही हैं, कान का भाग टूटा हुआ है। संभवतः यह भी अत्यधिक सुसज्जित था जो कालांतर में इनके अलंकरण जो हैं वो टूट गए हैं। यह है एक बैल का सिर जो रस्सियों से सुंदर ढंग से सुसज्जित है। नासिका व मुख दिखाई दे रहे हैं, आंखें दिखाई दे रही हैं, सींग व कान टूटे हुए हैं, इनके ग्रीवा का भाग सुंदर रस्सियों से सुसज्जित है। यह अत्यंत सुंदर घोड़े का अलंकृत सिर है। आंखें, नासिका व कान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, मुख दिखाई दे रहा है, इनके मुख का जो भाग है वह सुंदर रस्सियों से सुसज्जित है, इनके ग्रीवा का भाग भी सुंदर रस्सियों से सुसज्जित है। ग्रीवा का ऊपरी भाग पश्च भाग सुंदर रेखाओं से अलंकृत है, इसमें हमें दिखाई दे रहा है। अब हम अवलोकन करेंगे सिरपुर में प्राप्त एक अत्यंत कौतूहलपूर्ण वस्तु का। हम सभी ने फिल्मों में एलियंस को देखा है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि भविष्य काल में अंतरिक्ष में वैज्ञानिक एलियंस को खोज लेंगे और कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि भूतकाल में हमारे संपर्क एलियंस से थे। यह चर्चा का विषय वर्तमान में इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि सिरपुर में उत्खनन में इस प्रकार का एक सिर प्राप्त हुआ है जिसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह किसी एलियन का सिर हो। आंखें उभरी हुई हैं और इनकी भौहें आपस में मिलकर भी आकार निर्मित करती हैं। इनके ओष्ठ भी विशेष प्रकार के हैं और पश्चिम भाग को यदि देखें तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे यहां कोई एंटीना लगा हो। इस प्रकार यह ऐसा दर्शाता है जैसे यह किसी एलियन का सिर हो। हालांकि इस विषय में मैं कोई दावा नहीं करता परंतु इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रकार का एक और शीर्ष प्राप्त हुआ है जिसमें मूछें दिखाई दे रही हैं, मूछें नीचे की ओर मुड़ी हुई हैं, आंखें उभरी हुई हैं, नाक का भाग संभवतः टूट गया है या घिस गया है। एक और इसी प्रकार का शीर्ष प्राप्त हुआ है, मूछें ऊपर की ओर उठी हुई हैं, भौहें दिखाई दे रही हैं, आंखें उभरी हुई हैं। इस प्रकार के तीन शीर्ष यहां पर दिखाई दे रहे हैं और तीनों ही काले रंग के हैं। एलियन शीर्ष के अतिरिक्त कुछ मानव सिर भी यहां प्राप्त हुए हैं। हालांकि इनकी संख्या बहुत अधिक है जो यहां उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ का प्रदर्शन हम यहां पर कर रहे हैं। यह एक मानव शीर्ष है, आंखें दिखाई दे रही हैं, ओष्ठ हैं, नाक हैं, भौहें धागों से सुसज्जित हैं, कान भी दिखाई दे रहे हैं। परंतु मानव शीर्ष से यह शीर्ष काफी कुछ भिन्नता भी रखता है जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक और प्रारूप हम यहाँ पर देख रहे हैं, इनका ग्रीवा भाग ग्रीवा भूषण से सुसज्जित है, ओष्ठ दिखाई दे रहे हैं, नासिका दिखाई दे रही है, आंखें उभरी हुई हैं, कान दिखाई दे रहे हैं और इनके जो केश हैं वो विशेष प्रकार के आभूषण से बंधे हुए हैं। यह तृतीय प्रारूप भी
इनका भी ग्रीवा भाग ग्रीवाभूषण से सुसज्जित है, नासिका व ओष्ठ दिखाई दे रहे हैं, आंखें उभरी हुई हैं, भौहें हैं, कान हैं, इस प्रकार से यह शीर्ष भी प्राप्त हुआ है। इसे हम मानव शीर्ष कहने में तरीक संकोच कर सकते हैं। पता नहीं यह कौन से जंतु का शीर्ष है, कान दिखाई दे रहे हैं, ओष्ठ दिखाई दे रहे हैं, नासिका का ऊपरी भाग विशेष रूप से सुसज्जित है, आंखें उभरी हुई हैं, वह इनका जो मस्तक है वो विशेष प्रकार के आभूषण से सुसज्जित है। इस प्रकार के मानव शीर्ष भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ऐसे अनेक शीर्ष यहाँ प्राप्त हुए हैं, इनमें से चार का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। मृत्तिका निर्मित मानव शीर्षों के पश्चात मृत्तिका निर्मित अनेक मानव शरीर भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। सभी के सभी पक्की मिट्टी से निर्मित हैं और इनकी संख्या अत्यधिक है, परंतु इनमें से कुछ का प्रदर्शन हम यहाँ कर रहे हैं। यह एक मृत्तिका निर्मित मानव शरीर है जिसमें हाथ व कटी से नीचे का भाग टूटा हुआ है, सिर का भाग भी टूटा हुआ है। द्वितीय प्रारूप जो प्राप्त होता है इसमें हम देख रहे हैं इनके कटी पर कटी बंधा है, पैर का भाग टूटा हुआ है, हाथ टूटे हुए हैं, एक हाथ में इनका बाजूबंद स्थित है। एक और प्रारूप इनके पेट से नीचे का भाग टूटा हुआ है, इन पर बाजूबंद है और ग्रीवा पर ग्रीवाभूषण है, एक हाथ ऊपर उठा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उठे हुए हाथ में संभवतः ये तलवार या कोई शस्त्र धारण किए हुए हों, वह इस हाथ में ढाल धारण किए हुए हों। इस प्रकार के ढाल जो हमने पूर्व में देखे हैं, संभवतः इस प्रकार के ढाल ये धारण किए हुए हों और एक हाथ में तलवार धारण किए हुए हों। कोई देव प्रतिमा भी ये हो सकते हैं और किसी सैनिक की प्रतिमा भी हो सकती है। इस प्रकार के ये प्रतिमाएं जो है ये लाल रंग में पकाई गई है। एक काले रंग की प्रतिमा भी यहाँ पर प्राप्त हुई है जिनके वक्ष पर सुंदर आभूषण है और पैर जो है इनका टूटा हुआ है, एक पैर कुछ लंबा है, हाथ टूटे हुए हैं और ग्रीवा से ऊपरी भाग भी टूटा हुआ है। इस प्रकार के कई मानव शरीर यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, इनमें से चार का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। मानव आकृतियों में मानव शरीर एवं शीर्ष के अलावा इस प्रकार का एक खिलौना भी प्राप्त हुआ है। हम देख पा रहे हैं कटी पर कटीबंध है, कटी से नीचे का भाग टूटा हुआ है, एक हाथ टूटा हुआ है, जबकि एक हाथ यह भी टूटा हुआ है परंतु कुछ अच्छी अवस्था में है। वक्ष पर सुंदर आभूषण सुसज्जित है, मूछें दिखाई दे रहे हैं, ओष्ठ दिखाई दे रहे हैं, नासिका, आंखें, कान इत्यादि दिखाई दे रहे हैं और सिर पर जो केश है वह अत्यंत सुंदर अलंकरण से आबद्ध है। उत्खनन से प्राप्त जिन भी वस्तुओं की प्रतिकृतियों का निर्माण हमने किया है वे सभी अत्यंत कौतूहलपूर्ण हैं। इनमें से समस्त प्रतिकृतियों का प्रदर्शन एक ही चलचित्र में संभव नहीं है क्योंकि चलचित्र अत्यधिक लंबा हो गया है। अगले कौतूहलपूर्ण वस्तुओं का प्रदर्शन हम अगले चलचित्र में करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।